नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर दिए गए हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा ITR फाइल करना होता है। दोस्तों, ITR 1 यानी कि सहज नोटिफाई किया गया है इंडिविजुअल के लिए जो कि इंडिया के रेजिडेंट हैं अदर देन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपीज़ तक होगी, जिसमें कि सैलरी इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है, अदर सोर्सेज से जैसे कि इंटरेस्ट एक्स्ट्रा की इनकम हो सकती है, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपीज़ तक हो सकती है। लेकिन यह फॉर्म वो व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकते हैं जो कि या तो डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, या फिर जिन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट की है, या फिर जिनका के TDS कटा है सेक्शन 194N के अंतर्गत, या फिर इनकम टैक्स डेफर किया गया है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के ऊपर। दोस्तों, ITR 2 फाइल करना है इंडिविजुअल को और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जिनकी कोई भी इनकम नहीं है बिजनेस एंड प्रोफेशन से। दोस्तों, यह है ITR 3 जो कि फाइल करना है यदि किसी इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है। इस प्रकार यदि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से इनकम है तो वो ITR 2 फाइल कर सकता है। लेकिन यदि उसकी सैलरी से भी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से भी, बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी, कैपिटल गेन से भी, अदर सोर्सेज से भी, तो वो ITR 3 फाइल करेगा। दोस्तों, ये ITR 4 जो कि नोटिफाई किया गया है इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और फॉर्म के लिए अदर देन LLP जो कि रेजिडेंट हैं और जिनकी के टोटल इनकम 50 लाख रुपीज़ तक है, इसके अलावा वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत इनकम डिक्लेयर करते हैं सेक्शन 44AD, ADA या 44AE के अंतर्गत, यानी कि जो प्रिजम्पटिव बेसिस की इनकम होती है 8%, जिस पे कि आपको टैक्स जो है वो पे करना होता है, या प्रोफेशनल के केस में 50% जो डीम्ड इनकम वो डिक्लेयर करते हैं, या फिर गुड्स कैरिज के केस में वो प्रिजम्प्टिव बेसिस पे इनकम डिक्लेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि वो इंडिविजुअल डायरेक्टर भी है किसी कंपनी में, या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर भी हैं, या फिर इनकम टैक्स डेफर किया गया है ESOP पे, या फिर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो उस केस में ITR 4 यानी कि सुगम फाइल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यह है ITR 5 जो कि फाइल करना होता है उन व्यक्तियों को जो कि इंडिविजुअल नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, या फिर कंपनी नहीं है, या फिर जो कि ITR 7 नहीं फाइल कर रही है। जैसे कि दोस्तों LLP इस फॉर्म को फाइल कर सकती है, या फिर कोई ट्रस्ट टेक्स्ट्रा जो कि ITR 7 नहीं फाइल करते हैं वो इस फॉर्म को फाइल करेंगे। यह फॉर्म ITR 6 जो कि कंपनीज को फाइल करना होता है, लेकिन यदि कंपनी सेक्शन 11 के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट में एग्जम्पशन क्लेम करती हैं तो ये ITR 6 नहीं फाइल करेंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो जब तक आप उसे साइन नहीं करते हैं उसे वैलिड नहीं माना जाता, तो ये एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है। यदि आपके द्वारा ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 7 फाइल कर दी गई है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई नहीं की गई है, यानी कि आप अपने आधार पे OTP मंगवा सकते हैं जिसके बाद के वेरीफाई कर सकते हैं, या बैंक अकाउंट के थ्रू एक्स्ट्रा, तो यदि आप नहीं करेंगे तो इस फॉर्मेट के अंतर्गत आपको यहाँ पे साइन करके ये बेंगलोर भेजनी होती है। जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है ऑर्डिनरी पोस्ट और स्पीड पोस्ट से, तो जब ये बेंगलोर में रिसीव हो जाती है उसके बाद ही आपको एक्नॉलेजमेंट जनरेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि आप रिटर्न को वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद इस फॉर्मेट के अंतर्गत आपको एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं, पैन नंबर, नेम, एड्रेस, स्टेटस फाइल्ड, और जो आपकी ने इनकम डिक्लेयर की है, जो टैक्स पे किए हैं, जितना टैक्स रिफंडेबल या पेएबल है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस फॉर्मेट के अंतर्गत है। दोस्तों, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वह इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।